खिलाफ राष्ट्रवाद को डाला के रहते थे जिल्लत से बड़ी खुशी से के रहते थे जिल्लत से बड़ी खुशी से, अब जब हमारे मुंह खुलने लगे तो लोगों को बुरा लगने लगा। राजकुमार जी रात आपके सामने पेश है। अरे भाई किधर है, थोड़ी राशि डाल करके जाना, क्योंकि ये कार्यक्रम हमको कराने में आर्थिक सहयोग आपका बहुत जरूरी है, ये आपकी समझदारी हिस्सेदारी है, इस हिस्सेदारी का निर्माण करें। धन्यवाद राजकुमार जी रात, सभी को धन्यवाद। पहले हम थोड़ी माफी मांगेंगे, हम लेट हो गए काफी बहुत, क्योंकि बांसवाड़ा वालों ने हक ज्यादा जता लिया है। बांसवाड़ा वालों का कहना है कि डूंगरपुर में पहले 5 साल निकाले, अब बांसवाड़ा में ज्यादा समय देना है, उस वजह से हम थोड़ा लेट हुए। लेकिन फिर भी मैं आप सबको दिल की गहराई से धन्यवाद देना चाहूंगा। 11 बजे से कार्यक्रम शुरू है और ये 6 बजे में आ रही है, फिर भी आप डटे हुए, उसके लिए एक बार जोरदार आपके लिए तालियां बजा दी जाए। आज ये जो जुनून है, ये उत्साह है, एक जोश जज्बा है, ये संकेत कर रहा है कि आने वाले समय में हमारे इस क्षेत्र के साथ साथ पूरे देश के अंदर एक शानदार क्रांति लाएंगे, ये संकेत कर रहा है आज का जो जुनून। साथियों, विश्व आदिवासी दिवस, ये जो दिवस है ये हमारे लिए, इस देश के लिए, पूरे विश्व के लिए और मानव मात्र के लिए एक महत्वपूर्ण दिवस है, विश्व आदिवासी दिवस। आज आज ये विश्व आदिवासी दिवस, हमारे पूर्व वक्ताओं ने बता दिया होगा उसका कब घोषणा हुई, कब से मनाया जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है, और इतने समय में 1994 से लगा के आज तक कहां कहां मनाया गया, किसने मनाया गया, कौन रुचि ले रहा है, किस सरकार ने रुचि ली, इस दिवस का उद्देश्य किसने बताया, आप सब भलीभांति जानते हो, पूर्व वक्ताओं ने बता दिया होगा। विश्व आदिवासी दिवस हमारी होली है, मान लो दिवाली है आपका दूसरा कोई त्योहार है, सबसे बड़ा त्योहार विश्व आदिवासी दिवस का दिन है और सबसे बड़ा त्योहार है ये हमारे लिए आज। साथियों, वो दिन याद आ रहा है मुझे जब 2015 के अंदर 2016 में हम कलेक्ट्री गए थे, विश्व आदिवासी दिवस मनाना है, हमें कहीं जगह दिया जाए, तात्कालीन प्रशासन तात्कालीन सरकार ने कहा नहीं मना सकते हो आप। हम लोगों ने इधर उधर हाथ पैर मारे, जगह नहीं दी सरकारी, कहीं परमिशन नहीं दिया, और हमने गोकुलपुरा में जाके सोमालाल जी के घर पे उनकी निजी जमीन पे विश्व आदिवासी दिवस मनाया था, शुरुआत में बड़े पैमाने पर, शुरुआती एंडिंग की अगर बात करें थोड़े संख्या हुई थी, और उस समय कई लोग हंसते थे, कई लोग ताने मारते थे, लेकिन मुझे इस विचारधारा पे गर्व है कि इस विचारधारा ने आज ऐसी क्रांति ला दी है कि हर घर के अंदर छोटा बच्चा से लगा के बड़े बुजुर्ग के अंदर आज जोश जुनून है, एक उत्साह जगा हुआ इस दिवस को लेके। यह दिवस इसलिए मनाया जा रहा है, यूएनओ ने विश्व में मिलकर इसलिए इसको घोषित किया गया है क्योंकि इस धरती को बचाना है, मानव जीवन को बचाना है, और मानव जीवन को बचाना है तो प्रकृति को बचाना पड़ेगा, और प्रकृति कुदरत तभी बच सकती है कि आदिवासी समाज बचेगा तो ये कुदरत प्रकृति बचेगी, जल जंगल जमीन बचेगा। ये विश्व के कई बुद्धिजीवियों को समझ में आया कि पूरे विश्व के अंदर जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पेड़ कटाई हो रही है, इधर इधर पहाड़ों को प्रकृति के साथ जो अन्याय हो रहा है उसका एक ही उपाय है, क्योंकि उनकी रक्षा आज से हजारों सालों से आदिवासी समाज करता आया है, आदिवासी समाज का संरक्षण करेंगे तो प्रकृति का शरण होगा। ये विश्व के बुद्धिजीवी लोगों ने, यूनो में बैठने वाले लोगों ने समझा और इसलिए विश्व आदिवासी दिवस की घोषणा की। लेकिन बड़े दुख की बात है, उस समय तय लगाकर आज तक किसी भी सरकार ने विश्व आदिवासी दिवस को अपने विवेक से उत्साह से नहीं मनाया किसी भी सरकार ने, लेकिन हमें गर्व है कि हमने यहाँ पर आदिवासी छात्रावास के अंदर आप सभी ने मिलकर एक कार्रवा खड़ा किया, उस समय तत्कालीन सरकार थी वसुंधरा गवर्नमेंट की, और उन्होंने मजबूर में ऐच्छिक अवकाश घोषित किया,
और 2018 में चौरासी और सागवाड़ा की जनता आप सबकी मेहरबानी से दो विधायक जीत के गए और दो विधायकों की जीतने की वजह से हमने दमखम से अशोक जी गहलोत से कहा अगर आदिवासी हितैषी हो उसके लिए कुछ कर सकते हो तो आदिवासी दिवस का राजकीय अवकाश घोषित किया जाए, मांग रखी और हमको मानना पड़ा और 2018 में विश्व आदिवासी दिवस की सरकारी अवकाश किया गया 2019 के अंदर। कुछ लोग कहते हैं क्या किया क्या उपलब्धि, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए, हमारी आइडेंटिटी, हमारे अधिकारों की रक्षा। ये उन्होंने जो विश्व आदिवासी दिवस घोषित किया गया था उसको राजकीय अवकाश घोषित कराया। पूरे राजस्थान के अंदर कर्मचारियों के माता पिता आज पूछ रहे हैं आज स्कूल क्यों नहीं गया, आज हॉस्पिटल में क्यों नहीं गया, किसकी छुट्टी है। हर कर्मचारी अपने माँ बाप को जवाब दे रहा है, वो किसी भी समाज का हो, कह रहा है कि आदिवासी दिवस है आज। पूरे राजस्थान के अंदर हर माँ बाप पूछ रहा होगा, बच्चे पूछ रहे होंगे उनके पिताओं से कि आज किसकी छुट्टी है। तो आज विश्व आदिवासियों का दिवस है इसलिए छुट्टी है, ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि हुई है और इसकी वजह से आसपास के जितने जो राज्य हैं मध्य प्रदेश महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ झारखंड सभी राज्यों के अंदर राजकीय अवकाश घोषित किया वो आप लोगों की बदौलत, आप लोगों ने संघर्ष किया इसलिए आज देश के अंदर जो हालात बने हुए हैं। अभी मैं आ रहा था गाड़ी के अंदर, एक चीज मैंने देखा, राजस्थान में भाजपा की सरकार है, मैं इस मंच से पॉलिटिकली भाषण नहीं देना चाह रहा, लेकिन जो आज के दिन में आदिवासी समुदाय के साथ जो धोखा हुआ है, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने अपने ट्विटर हैंडल से विश्व आदिवासी दिवस की शुभकामना पोस्ट की, अच्छा लगा हमें भी कि राजस्थान का मुख्यमंत्री आदिवासी दिवस की शुभकामना दे रहा है। ये कोई मामूली दिवस नहीं है, ये उन्होंने घोषित किया है। लेकिन तकलीफ क्या हुई, किसी के पेट में मरोड़े पड़ने लग गए और आधे घंटे बाद ही राजस्थान के मुख्यमंत्री की पोस्ट डिलीट कर दी। हम जानना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी से कि आदिवासी दिवस का आप शुभकामना दे रहे हो, आधे घंटे बाद आपके ट्विटर हैंडल से आपने डिलीट कर दिया, क्या दिक्कत हो गई आपको। यह साबित होता है वर्तमान सरकार का आदिवासी समुदाय को लेके क्या दूरदृष्टि है, क्या सोच है उन लोगों की। पोस्ट किया, आधे घंटे में डिलीट कर दी मुख्यमंत्री के पोस्ट से। किसका दबाव आया आप पे, आप नहीं चाहते आदिवासियों का भला। आज हम आपसे उम्मीद थी कि आज आदिवासियों के लिए कई बड़ी घोषणा करते, इस इलाके में आके दिवस मनाते, आदिवासियों के अधिकार को लेके शेड्यूल 5 के जो प्रावधान को लेके बात करते, लेकिन उनको लगता है कि ये समाज ऐसे ही वापस कब्जे में आ जाएगा, जुमला फेंक देंगे, झूठ बोल देंगे, छोटी मोटी योजना दे देंगे। लेकिन ये समाज, इस क्षेत्र की जनता अस्तित्व के लिए, स्वाभिमान के लिए लड़ना सीख गई है और वो लड़ेगी। हमें साबित करना है ये बिरसा मुंडा, टाटा मामा, राणा पूजा भील, राजा डूंगर बरंडा की धरती है और उनके वंशज है, ये हमें साबित करना है आने वाले समय में हम सबको मिलकर। आज देश के जो हालात बने हुए हैं, देश में विस्थापन हो रहा है, आप सबकी बदौलत मुझे दिल्ली की देश की सबसे बड़ी सदन में जाने का अवसर मिला। मैंने एक डाटा निकाला पिछले 5 साल के अंदर कितने आदिवासी विस्थापित हुए अलग अलग प्रोजेक्टों के नाम से, टाइगर प्रोजेक्ट के नाम से पिछले 5 साल में 2.5 लाख आदिवासियों को विस्थापित किया इन सरकारों ने। अन्य सभी को परियोजना मिला के पिछले 5 साल के अंदर 4 से 4.5 लाख आदिवासियों को विस्थापित किया गया है इस देश के अंदर। आज तक का, आजादी के बाद तक का, अब तक का इतिहास उठा के अगर देखते हैं, इस धरती पे अगर सबसे ज्यादा कोई विस्थापित हुआ है परियोजना के नाम से तो आदिवासी समुदाय विस्थापित हुआ है। लेकिन इन सरकारों को अब समझाना है कि आदिवासी समुदाय जग चुका है, समझदार हो चुका है, अब आपको मुंह तोड़ जवाब देने वाला है आने वाले समय के अंदर। ये कार्रवाई यही नहीं पूरे देश में चलने वाला है। साथियों, एक बात और मैंने देखी, हमारा जो इतिहास है आजादी से पहले का, मानगढ़ हत्याकांड देख लो, बिरसा मुंडा का आंदोलन देख लो, देश के कई कोनों में आदिवासी महापुरुषों ने जल जंगल जमीन की, स्वाभिमान की, हक अधिकार की लड़ाई लड़ी, लाखों लोग मारे गए। इस देश के इतिहास में अगर देखते हैं तो सबसे ज्यादा अगर कोई आजादी की लड़ाई
आजादी के बाद की लड़ाई में अगर किसी का मर्डर हुआ है, उनकी हत्या की गई है, तो आदिवासी समुदाय की गई है। आजादी की लड़ाई में सबसे ज्यादा अगर किसी शहीद हुआ है तो आदिवासी समुदाय हुआ है, अन्य समुदाय भी हुए हैं। हम किसी पे कटाक्ष नहीं करना चाहते, लेकिन संख्या की बात करें तो आदिवासी समुदाय की सबसे ज्यादा संख्या है। लेकिन साथियों, इस देश में बच्चों को पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है, छठी क्लास हो, बारहवीं क्लास हो, एनसीईआरटी की किताब हो, सीबीएसई की हो, या किसी भी गवर्नमेंट, राजस्थान सरकार, देश के अन्य राज्यों का सिलेबस है, देश का जो सिलेबस है, इन सारे सिलेबसों के पाठ्यक्रम में मैंने एक बात देखी, आदिवासियों का इतिहास कहीं नहीं पढ़ाया जाता है। अभी एनसीईआरटी ने कई चेंजिंग किए हैं, आदिवासियों का जो बचा कुछ इतिहास था उस इतिहास को सिमट दिया गया। हमारे संत सुरमाल महाराज के आंदोलन हो, गोविंद गुरु महाराज का आंदोलन हो, साथियों बात याद आ गई, अभी कुछ लोग कह रहे हैं माहौल बिगड़ गया है इस इलाके के अंदर। मैं जो उपद्रवी बचाने करने वाले, किसी को लड़ाई झगड़ा करने वाले, पी के मारपीट करने वाले, पत्थर मारने वालों के पक्ष में कतई नहीं हूं और नहीं रहूंगा, और मैंने आज तक रिक्वेस्ट किया पुलिस प्रशासन से ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाए। लेकिन एक बात बताना चाहूंगा आप लोग को, अभी एक माहौल बना जाता है मीडिया के माध्यम से कि माहौल बिगड़ गया है। बड़े बड़े नेता आके हमारे समाज पे लांछन लगाते हैं और कहते हैं माहौल बिगड़ गया है। माहौल बिगड़ा है, माहौल क्या बिगड़ा है, वो लूटते थे, लूटना बंद हो गया, वो माहौल बिगड़ा है। वो इस समाज को बेको बनाते थे, बेको बना के समाज को इकट्ठा करते थे, वोट लगते थे, वो माहौल बिगड़ा। उनका माहौल बिगड़ा है। बारी बारी से राज करते थे, वो माहौल बिगड़ा है। होती है घटनाएं कुछ, लेकिन मैंने प्रशासन को कहा है कि कहीं पर भी पत्थरबाजी हुई, वो आदमी कहां दारू पी के आया वो पता करो, किस सड़क के ठेके पे, सरकारी ठेके, रात की 10-10 बजे तक इकट्ठा रहता है, प्रशासन चुप रहता है। और हम भी है, ये गोविंद गुरु महाराज, संत सुरमाल महाराज की धरती है, हमारे पुरखों ने शराब को लेकर आंदोलन छेड़े थे। हम लंबे समय से कह रहे हैं कि इस इलाके के अंदर शराबबंदी होनी चाहिए, लेकिन हो नहीं रहे, और भी दुकानें बढ़ाते रहे, रात की 12-12 बजे तक दारू बिछवा रहे। एक बात और बता दें आपको, ये लोग कहते हैं नारियों का सम्मान करेंगे, उनको शर्म आनी चाहिए, महिलाओं के लिए दारू की अलग से ठेके खोल रहे हैं ये लोग, दारू की दुकान पे लिख रहे हैं कि ये महिला के लिए दारू की दुकान है। साथियों बातें बहुत सारी हैं, लेकिन हमारा एक ही आंदोलन है, गोविंद गुरु महाराज, संत सुरमाल महाराज का जो आंदोलन था उसको आगे बढ़ा रहे हैं। और हमारे इस इलाके में अगर सरकार बना चाहती है तो दारू विहीन होना चाहिए। हमारा गरीब आदमी खुद देसी कोई दो बोतल बना लेता है और दो बोतल बना के अगर पीने का काम करता है, या कई चोर 60-70 रुपए में बेच के घर गुजारा चलाता है, वहां कार्रवाई होती है। और वो आदमी, उसका कोई मेहमान आ गया, पूजा पद्धति है, तो उसको सरकारी ठेके पे 800-1000 रुपए में बोतल लानी पड़ती है। जो काम 60 रुपये में हो रहा है वो काम ये लोग 1000 रुपये में करवा रहे हैं और कह रहे हैं माहौल बिगड़ गया। आपने कोने पाव आ रही क्यों तो 8 रुपये में बोतल बाजार पीवा वालों बुजुर्ग आदमी का 8-10 रुपये में काम था नहीं था। लेकिन ये सरकार, यहाँ का प्रशासन उस गरीब आदमी की बंद कर रहा है, उसको कह रहे हैं कानूनी कार्रवाई की कह रहे हैं। लेकिन बाहर रात की 10-10 बजे तक अंग्रेजी शराब बेचने वाला ठेके खुले रह रहे, वहां पर कार्रवाई नहीं कर रहे ये लोग। इसलिए हम सब की जिम्मेदारी है, जो विशेषकर युवा साथी है उनको कहना ही चाह रहा हूं मैं कि दारू हमें बंद करना चाहिए, इंग्लिश दारू तो बिल्कुल बंद करना चाहिए। इंग्लिश के लिए हाथ खड़े कर दो सब, पैर बंद, रात्रि जाए गाड़ी दियो ने क्यों। तो आज धर्म को लेके माहौल बढ़ा रहे हैं ये लोग,
मैं बांसवाड़ा गया था एक कार्यक्रम में, एक आदमी को पोस्टर दारू पीला के पोस्टर पकड़वाया था। हमारा जो कार्यक्रम था उसके पास में दारू पिला के खड़ा किया था और पोस्टर बनवाया था कि आदिवासी हिंदू है, हम ये हैं वो है, पोस्टर पकड़वा के खड़ा कराया था। मैंने पता करवाया, उसको पिला के भेजा था, 500,000 रुपये दिए थे पोस्टर पकड़ के खड़ा रहना। हम किसी भी धर्म का विरोध नहीं करते, हर धर्म का सम्मान करते हैं, लेकिन यह बात सही है और सही बात को कहने में हमें कोई एतराज नहीं है कि आदिवासी समुदाय न हिंदू है, न ईसाई है, न सिख है, आदिवासी समुदाय धर्म पूर्वी समुदाय है। ये बात कह रहे हैं हम किसी धर्म को गाली थोड़ी दे रहे हैं। हमारा समाज ऐसा है, 1,000 लोगों का परिवार है, गांव है, और एक कोई अन्य समाज का ब्राह्मण हो, जैन हो, राजपूत हो, उस आदमी का घर होता है, सब मिलके उसकी सुरक्षा करते हैं, कभी परेशान नहीं करते। ये समाज है वो, किया आज तक हमारे पूर्वजों ने भी नहीं किया, हमने भी नहीं किया। हम भाईचारे के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन माहौल क्या बना रहे हैं, क्या माहौल बना रहे हैं। संत सुरमाल महाराज ने इस क्षेत्र में हक अधिकार को लेके, जल जंगल जमीन को लेके, भक्ति को लेके, बेट बकार के खिलाफ, मुगली शासन व्यवस्था, अंग्रेजी शासन व्यवस्था, राजा रजवाड़ों की शासन व्यवस्था के खिलाफ लड़े, लेकिन माहौल क्या बनाया, यह सिर्फ नर्क बजाता था भक्ति। बिलराज कायम करने की गोविंद गुरु महाराज ने कल्पना की थी, हम सबका सपना है। और यह बात याद रखना, कोई कुछ भी कहे कि नहीं बनेगा बिल प्रदेश, वही लोग 5 साल पहले जोहार का विरोध करते थे, आज जोहार बोल रहे हैं। वही लोग 5 साल पहले आदिवासी शब्द का विरोध करते थे, वनवासी कहते थे, वही लोग आज आदिवासी शब्द पे आ गए। और मैं कहता हूं 5 साल बाद यही लोग कहेंगे बिल प्रदेश बनना चाहिए, क्योंकि उनका बेटा कहेगा बिल प्रदेश बनना चाहिए। जितने विरोध कर रहे हैं बिल प्रदेश को लेके, उन सबकी लिस्ट बना के रखो, और कुछ करना नहीं है, 10 साल बाद देखना उनका बेटा कहेगा बिल प्रदेश बनना चाहिए, और वो भी खट में पड़ के कहेंगे हाँ अब तो बनना चाहिए। यही बात है हमारे यहां से असम के कार्बी, असम के हमारे मोरान कम्युनिटी, मोरान ट्राइबल के कल्चर के टीम आई हुई है, उनका एक कार्यक्रम होगा, 10 मिनट का कार्यक्रम है, सभी को शांतिपूर्वक सुनना है। हमारा सबका एक ही लक्ष्य है, जो लास्ट पंक्ति में बैठा हुआ खड़ा हुआ साथी, उन सभी से मेरा एक ही अनुरोध है कि बच्चों को अधिक से अधिक पढ़ाओ, नशे पत्ते से दूर रखो, अपने अधिकारों को समझो, और तर्कहीन बनना, तर्कशील बनना है, तर्क विहीन नहीं बनना है हमको, समझना है कौन कई कौन सल गलत है कौन सही है। कुछ लोग कहते हैं काकरी डूंगरी प्रकरण खुलवाएंगे, अगर तुम्हारा उद्देश्य यही है आदिवासी समुदाय को जेल में डालना है तो कोई दिक्कत नहीं, हम जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन घुटने नहीं टेकेंगे तुम्हारे, हम लोग ये बदला ले लेगा, और एक वक्त आएगा तुम्हारा रगड़ा निकल जाएगा इस इलाके से, सब कुछ खत्म हो जाएगा। आप सभी को खूब खूब धन्यवाद, मेरी बात को सुना, मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को समझोगे, अपने घर तक ले जाओगे, अपने जीवन में, अपने परिवार में इसका अमल करोगे, और एक ही बात ठान के जाना है, एक क्रांति लानी है शिक्षा के क्षेत्र में, हमको बच्चों को पढ़ाना है, हमको बच्चों को नशों से दूर रखना है, हमको बच्चों को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ाना है, और हम लोग 5 साल का मुझे अवसर मिला है, मैं कोशिश करूंगा इस क्षेत्र के अंदर आप सबके साथ सहयोग से कि शिक्षा के क्षेत्र के अंदर, खेल के क्षेत्र के अंदर एक हम क्रांति लाए, और इसमें आप सबका साथ सहयोग चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद, आभार, जय जोहार, जय बिल प्रदेश। एक तीर एक मन, आदिवासी एक समान, एक तीर एक मन, आदिवासी एक समान। धन्यवाद, जय जोहार, बहुत बहुत धन्यवाद।